नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की परीक्षा दी है और रिज़ल्ट आने पर आप फेल हो गए हैं और आपको लगता है कि आप आंसर की के अकॉर्डिंग पास होने चाहिए थे, तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एक मौका देती है अपनी कॉपी रीचेक कराने का। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएँगे कि अपनी AIB एग्ज़ाम की कॉपी को रीचेक कैसे कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताएं कि अगर आप कॉपी रीचेक करानी है तो रीचेक कब होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारी कॉपी रीचेक कब होगी। तो दोस्तों, AIB एग्ज़ाम का रिजल्ट जिस डेट में आता है तो उस डेट से 15 दिनों के अंदर आपको कॉपी रीचेकिंग का आवेदन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस में जमा कराना होता है। आप उसे बाय हैंड भी सबमिट करा सकते हैं और बाय पोस्ट भी सबमिट करा सकते हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे करा सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अभी AIB 13 का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो 15 मार्च को रिज़ल्ट आया है, तो आप 31 मार्च तक अपना जो आवेदन है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस में रिसीव करा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इसके लिए फ़ीस कितनी लगती है। तो दोस्तों, इसकी जो फ़ीस है वो मात्र 200 रुपये है। तो दोस्तों, इसकी प्रक्रिया हम जानेंगे कि हम जो है रीचेकिंग के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रीचेकिंग के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। तो वो जो डिमांड ड्राफ्ट होगा वो 200 रुपये का होगा और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से आपको बनवाना हो, क्योंकि जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होती हैं, वो गलत नहीं होनी चाहिए। एक तो होता है कि किसके फेवर में आप बनवा रहे हैं और दूसरा पेएबल कहाँ पर है। तो आपको फेवर में लिखना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और पेएबल में लिखना है न्यू दिल्ली। तो 200 रुपये का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, तो वो फॉर्म आपको ऑफलाइन उपलब्ध होगा। तो वो फॉर्म हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी। उन बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके और अपने डिमांड ड्राफ्ट को लगा करके आपको सबमिट करना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस में। तो देखें उसका एड्रेस क्या है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऑफिस में ही जाएं, आप उसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन बाय पोस्ट भेजने में एक बात का ध्यान रखें कि आप जल्दी से जल्दी भेजें, क्योंकि 15 दिनों के अंदर उनके ऑफिस में रिसीव हो जाना चाहिए। अगर आप 15 दिनों से ऊपर हो जाती है डेट तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखें उसके लिए पोस्टल एड्रेस क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया 21 रोज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया ITO नियर बाल भवन न्यू दिल्ली 110002। तो ये पोस्टल एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट कर दें। और जब आप इसको स्पीड पोस्ट कर देंगे और उससे जिस डेट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में के ऑफिस में रिसीव हो जाएगा आपका फॉर्म, उस डेट से 7 दिनों के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मींस बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको सूचित करेगा आपके मेल पे, आपको मैसेज करके, और आपको बाय पोस्ट रिज़ल्ट भी भेज सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने AIB एग्ज़ाम के कॉपी को रीचेक करा सकते हैं और अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके और वो परेशान ना हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।